बैंकों के निजीकरण के विरोध में लोगों को जागरूक करने की बात पर खरगोन जिले के बैंक कर्मी सड़कों पर उतरे और प्रक्रिया में बदलाव लाने के लिए प्रदर्शन किया। हम आपको बता दें कि बैंक कर्मियों ने यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले एकजुट होकर राधा वल्लभ मार्केट की पंजाब नेशनल बैंक के समीप जमकर नारेबाजी करके बैंकों के निजीकरण का विरोध किया। इस दौरान केंद्र सरकार की नई बैंक नीति का विरोध करके उन्होंने बताया कि कोई भी बैंक घाटे में नहीं है, जबकि लोग ऋण पैसा नहीं भर रहे, जिसके लिए कानून व्यवस्था में सुधार करके कठोर कानून लाया जाए, जिससे बैंक व्यवस्था में सुधार हो सके। वहीं आम जन से गुजारिश की है कि निजीकरण के विरोध में सहभागी बने, अन्यथा पूंजीपतियों के हाथ कमान चले जाने का खामियाजा आम जन को भुगतना पड़ेगा। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। जारी यूनाइटेड बैंक ऑफ बैंक फोरम के तहत हम लोग कर्मचारी एवं अधिकारी सभी जो यूनियन से उनके बैनर तले हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के विरोध में हम लोग सभी लोग एकत्रित हुए हैं और हम सरकार से और आम जनता से अपील करते हैं कि ये निजीकरण रोका जाए और हम आम जनता से आह्वान करना चाहेंगे कि सरकार हम लोगों की तो आवाज़ रोक सकती है, पर आम जनता अपने हमारे साथ आती है तो ये निजीकरण नहीं होगा और ये आम जनता के लिए लाभप्रद है। सार्वजनिक बैंक अगर हैं तो आम जनता के जो जमा पूंजी है वो सुरक्षित हाथों में है और सुरक्षित है, आज तक हम देखते आए हैं। पर लेकिन अगर ये पैसा, ये पूंजियां, ये संपत्ति सार्वजनिक बैंक अगर निजीकृत और औद्योगिक घरानों के हाथों में चले गए तो इनका डूबना निश्चित है। आज की तारीख में अगर सरकार का कहना है कि सार्वजनिक बैंक जो है कार्य कुशल नहीं है और घाटे में चल रही हैं, पर लेकिन मैं हम ये आम जनता को बताना चाहता हूँ, ये सार्वजनिक बैंक घाटे में नहीं है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में चल रही हैं सारी। आज की तारीख में सन 2019-20 का जो फाइनेंशियल डाटा है उसके तहत सार्वजनिक बैंक 1,74,000 करोड़ के प्रॉफिट में है, किंतु सार्वजनिक बैंक जो सरकार है वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए सार्वजनिक बैंकों में जमा आम जनता के पैसे को निजी लाभ के लिए रेवड़ियों के भाव बंटवा रही है। इसकी वजह से ही सार्वजनिक बैंक घाटे में जाने की ओर बढ़ रही हैं। अगर आम जनता जागरूक होगी, उन्हें अपने पैसों की चिंता है, तो मेरा आग्रह है समस्त जनता से कि वो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण रोकें। और हम जैसे आए दिन अभी कई सालों से सुनते आ रहे हैं कि कोई बैंक डूब गया है, उसके पैसे डूब गए हैं, कर्ज डूब गए हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है प्राइवेट और कोऑपरेटिव बैंक्स में? क्यों? क्योंकि वहाँ के जो प्रबंधन है वो निजी हाथों में है और उन्होंने अपने मन मर्जी से उसका बांटा है और साथ ही साथ उसका दुरुपयोग किया है। और इसी के स्थान पर अगर सार्वजनिक बैंक कार्य करते हैं तो वो एक नियम के तहत कार्य करते हैं और लोगों की, हम जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है, लोगों की जमा पूंजी के रक्षक के रूप में कार्य करते हैं हम, है ना। और इसीलिए हम आम जनता से अपील करना चाहेंगे कि वे हम सबका साथ दें और सरकार से इस निजीकरण का विरोध करें। इंकलाब जिंदाबाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।